थिंग इज दट यूर सपोज टू मूव आउट फ्रॉम यर फैमिली एंड द रीजन आई एम सेंगे बहुत ज्यादा ही कंफर्ट जोन में एग्जिस्ट करते हो अपने घर पर अगर तुम प्रैक्टिकली एक बात सोच के देखो तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि मेरे पास एक छत है रहने के लिए ठीक है मेरे पास छत है मेरे पास तीन टाइम का खाना रहके मेरे को बिजली का बिल नहीं देना ओके मेरे को पानी का बिल नहीं देना ओके आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई बैंक डिटेल्स बैंक कैसे जाना पैसे कैसे निकवाने एफ डी ऑल ऑफ दीज थिंग्स माई डैड इज डूंग बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी ठीक है मैं नहीं कर रहा है सर ठीक है अब तीन टाइम में खाना ओके डन चैन यू जस्ट इमेजिन वॉट यू आर डूइंग लाइफ तुम्हें एक चीज मिली हुई है ठीक है जो कि तुम्हें एक्चुअली में बहुत 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 कमजोर बना रही है ठीक है वाई डू थिंक मैन ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स पंद्रह सोलह सत्रह साल के उनको पता होता था कि भाई दिस इज माई वर्किंग एज आई एम सपोज टू वर्क नाउ दे यूज टू वर्क लेकिन आज की जनरेशन में स्पेशली इंडिया में यूं कर दिया गया है कि तो पढ़ाई की उम्र है सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस साल यहाँ पे तो बच्चा उस टाइम में कमा ही नहीं सकता पर पर कमाना नहीं चाहिए उसको पढ़ाई की उम्र है पढ़ने दो उसको समझ लो इसका हम ध्यान रखेंगे एंड I would actually say that this is the one of the biggest reasons why testosterone men are dropping right now. Okay. It's actually dropping right now. Sounds okay. real. So the concept is, guys, generation, it's already feminized. A lot of men are getting feminized. Okay. The rise of this culture, I want LGBTQ, all of these things. Why do you think it's happening? Because it's accountability. Responsibility is later. Sounds right. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ आर जनरेशन इज डूम्ड उनका ऐसा लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है एज भाई तो घर के काम आ छप संभालूंगे छब्बीस नहीं संभाल पाओगे भाई नहीं संभाल कैन नॉट मैनेज ऑल ऑफ थिंग्स अगर तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों का जैसे कि एक कॉमन चीज मैं तो समझाना चाहता हूं कि प्लीज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी साल के हो ना अपने घर से निकल जाओ जब देखोगा ना कि आप फ्लैट ऐसे लेते हैं ओके okay, फ्लैट यहां पे ढूंढना है जिम यहां पर जाना डाइट ऐसे खुद ना कपड़े खुद धोने पड़ेंगे समझ रहे हो मेरी बात को और इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे करना पड़ेगा कैसे पे करते हैं पानी का बिल कैसे पे करते हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल यून एक्सपीरियंस फॉर मीट थ्रो मेक यू मैन ठीक है खाना खुद बनाना पड़ेगा एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट एक क्या आता है इस चीज का मेरे पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यू आता है कि भाई खाना तो भाई लड़कियां बनाती है भाई तुम चलो ठीक है मैं ये बात कहीं ना कहीं

क्योंकि सोलह सत्रह अट्ठाउन बीस इक्कीस साल की उम्र ऐसी होती है जहां पे तो ना तो कोई तुम्हारी अच्छी औरत तुम्हारे साथ रहेगी मेजोरिटी ऑफ़ द टाइम्स ना वो इंटरेस्टेड होगी रहने में क्योंकि तो इतने वो नहीं हो कि वो डिवोट करना चाहिए अपने आप को और ना लड़कियों की मैंटेलिटी ऐसी बची है कि वो ये सब काम करे समझ रहे हो सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू ऑफ जस्ट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तुम मेरी बात को समझ समझो तो ऑप्शन नहीं है सब चीज़ों के अलावा कुछ ना करने का तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी ये सब चीजें ठीक है और

आई डोंट केयर कितना खर्चा है कितने पैसे आ रहे हैं कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई अपने घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे सेफ कंफर्ट जोन में बचे रहोगे तो भाई तुम कैसे अपनी स्किन को थिक बनाओगे तो अपनी स्किन को थिक जब तक बना सकते हो तो तुम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो बाहर निकलोगे खर्चों में पता दुनियादारी देखोगे भाई सबसे मेन चीज़ यू वुड सी पीपल बोल्ड दिस फकिंग बोल्ड दिस दुनियादारी इस चीज़ से वाकिफ़ होगे तुम लोग और यही सब चीजें आदमी बनाती और ये सब चीजें सालों से चलती आ रही थी उन्नीसवीं सदी अठारहवीं सदी बहुत सारा प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक कॉमन पैटर्न आदमी में यूं होता तो था कि हम लोग बहुत छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती थी एंड देर इज अ रीजन दे हैड ऑल ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन आज के जमाने में क्या हो रहा है वी वी हैव हैव टू मच ऑफ डोंट तुम्हारे बाप का टेस्टोस्टेरोन तुमसे ज्यादा पाएगा एंड इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कोई चौकाने वाली बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाप ने घर बना रखा है भाई and you are worried about the fact कि मैं रेंट फ्लैट नहीं घर बना रखा है तीन गज का घर बना रखा है छत में रह रहे मेकिंग वो बिजली का बिल दे रहे हैं पानी का बिल दे रहे हैं तो भाई यू आर सपोज टू मूव आउट एंड डू द सेम बट जल्दी फ्लैट फ्लैट okay, में गया ओके आई टू डू दिस वोक 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 सिंगल टू वो इन दीज्स ना देन मूव टू मेक माइ बिजनेस एंड मेक माई ओन हाउस वेयर इज दिस गोइंग आदमियों के अंदर से यह चीज कहां गुम हो रही आई डोन्ट गेट इट भाई प्लीज मूव आउट कर दो अपने आप को मूव आउट करवा लो आई डोंट केयर इफ़ यू मूव आउट विद वन ऑफ यर ब्रदर्स मेक अ प्लान सेट टुगेदर बोलो अपने भाइयों को जिनको तुम ट्रस्ट करते हो तुम सेंटीमेंट शेयर करते हो ठीक है उनको बोलो कि भाई निकलते हैं यहाँ से नहीं तो फस जाएंगे और पूरी उम्र फंस जाएंगे कभी तो दुनियादार नहीं देख पाएंगे भाई एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कभी वो वाला रोल रोल नहीं कर पाऊंगी लीडर वाला बिकॉज कोई एबिलिटी है ही नहीं अडर हैज एबिलिटी टू लीड एवरी थिंग तुम्हारा पाप लीड कर पाता देट वाई इज़ अ लीडर क्या तुम लीडर बन पाओगे तो ये छोटे काम करने से कतराते हो क्या तुम्हें तो लगता है तुम्हारी और तुम्हारी सुनेगी नो फॉर सपोज टू मूव आउट फ्रॉम योर हाउस ओके एंड लाइफ कि मेरे को क्या दिखाया गया था और क्या एक्चुअली में है कितना स्ट्रगल है कितना संघर्ष है जिंदगी में और इस संघर्ष में कहूंगा इज इक्विटेबल टू शहद की वो एक चम्मच जो तुम्हारा गला ठीक करेगी। डर I mean कि संघर्ष देखोगे तो ही एज अ मैन तुम ग्रो कर पाओगे और जितनी छोटी उम्र से देखने लगोगे ना उतने मेच्योर बनोगे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने लगोगे ओके okay, चाप भी यहां पर रख रही है ओके okay, सफाई रखनी है फ्लैट साफ रखना है ऑल दीज थिंग्स एंड भाई ये सब चीज जरूरी है भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा माइंड इस तरह का डेवलप होगा तुम्हें और ये चीज बिजनेस में बहुत कम आएगी भाई क्योंकि अब बिजनेस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस है वो किसी भी चीज की हो तुम अगर आज इन सब चीजों को स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो हाउ डू यू थिंक यू कैन टॉलरेट थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स उनका स्ट्रेस उनकी प्रोडक्ट में कोई भड़क समझ हो मेरी बात को सो प्लीज गाइज दिस इज समथिंग बेसिक्स ये बेसिक सेंस जीने के इट्स बेसिक्स ऑफ लाइफ समझ रहे हो सो प्लीज डोंट

पड़ेंगे ऑप्शन नहीं होगा ना जब भी अपना सौ परसेंट दिखा पाता है जब उसके पता होता है कि हाँ एवरी थिंग इज गई जब तक तो ये दिमाग में हिट नहीं करेगा ना कि हाँ मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है भाई पैसे देने के लिए मेरे पास छत नहीं है तब तक तो तुम एक्शन नहीं ले पाओगे भाई पूरी जिंदगी कंफर्टेब कंफर्टेबल जोन में रहोगे और छब्बीस जब एकदम क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बाप पूरी उम्र भी नहीं रहेंगे एक टाइम पर रिस्पॉसिबिलिटी तुम्हारे कंधे पे आएगी तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे कंधे पे आएगी पूरी उम्र तुम्हारा बाप नहीं खिला सकता तुम्हें तुम्हारी माँ पूरी उम्र तुम्हें खाना बना के नहीं दे सकती एक टाइम पर यू नीड टू हैव अ फैमिली बट फॉर दैट आर यू रेडी टू हैव अ फैमिली आस्क योर सेल्फ जितना जल्दी बाहर निकल के दुनियादारी देखोगे ना उतना बेनिफिट में रह जाओगे वट इज अ फ्लैट डू यू थिंक मैं घर पर नहीं रह सकता ऑब्वियसली मैं घर पर रह सकता हूं इफ आई वॉन्टेड मैं क्यों नहीं रहता बिकॉज आई नो इज जीरो पॉइंट ऑफ लिविंग एट होम मैट नोस दिस ही इज वोकिंग ऑन समथिंग ही इज डूइंग समथिंग ही हैज इज लाइफ गोइंग ऑन अपने फेज में एंड इज प्राउड ऑफ इट समझो इस चीज को को तो मैं भी घर पर मेरे हूं तो तीन खा। मेरे तो घर यू बोल रखे बट वाई डू यू थिंक आई डोंट लिसन टू दैम बिकॉज आई नो मेक्स मी द सेम थिंग टू माई सन विल मेक मी अ मैन एंड हिम रिफ्यूजिंग दैट थिंग टू मी विल मेक हिम अ मैन समझ रहे हो तो प्लीज 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 इट्स योर इट्स योर Like, what is that term? It's your duty to be that man. You'll Novena. So maybe the potential woman in the family you could have bred, breeded, will be to someone who knows how this world works, who has seen the struggles, who was not afraid of paying 10,000 for a flat. Talking ki baat you can't even measure expenses. Please, bro. उम्र उम्र के बहाने बहुत आते हैं सोलह अकाउंट से सत्रह तो अकाउंट कैसे करूंगा उम्र के बहाने मत दो भाई मेरे को आज से चार सौ साल पहले बारह बारह तेरह हर साल के लड़के जंगों में जाते थे इफ यू प्रैक्टिकल थिंग ये बहुत स्टेटमेंट बना दी गई है आज के टाइम में मेनोसफेयर में बट इट्स वेरी ट्रू स्पार्ट डू नो हाउ अग्रेसिव दाइफ स्टाइल वॉज टू वैन बिकॉज मैन आर सपोज टू बी बिल्ड लाइक दैट so that's all i'm saying. you're supposed to move out from your home. it's going to be very, very dangerous for you to live your whole life because you have zero experiences and no one appreciates a man who don't have anything to say because he didn't even live his life in struggles. and best of the stories are derived from the hardest of the struggles. code of the day. if you listened to this whole video, Make sure to write the exact code I said so that it's a confirmation for me. Kitam and your dopamine receptors are not fried. And you don't need animations to jerk your mind off. We talk real shit here. And if you're a real man, it's not supposed to be bothering you if you are seeing something on screen or not. So please move out, ASAP with your brother alone. I don't give a fuck. You're supposed to see this world. And I want you to be And खुद करना है सब कुछ सब कुछ खुद करना है पैरों की जुराब खरीदने से लेके खुद का खाना पानी सब कुछ लाइफ होनेक्सल पीस अल्लाह रखो